मैंने ट्राई भी किया कि मैं उनका नंबर निकाल के उनको पूछूं कि हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, तो मैं कहीं भी ये कहूंगा कि हाँ भाई ये गणित पढ़ाते हैं अच्छे से, अच्छा इनको आसानी से काम मिलेगा। महीने पहले उन्होंने 5000 बच्चों का बैच बनाया, ऑफलाइन उन्होंने 5000 बच्चों को एडमिशन कराया। आप एक बार लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाकर तो देखो, 17 रास्ते आपको बिजनेस के नजर आएंगे, 17 रास्ते आपको लोग नौकरी देने के लिए खड़े होंगे। पहले यहां पढ़ाते थे, खुद उनकी ही बात कर ले, फिर वहां पढ़ाते थे, फिर वहां पढ़ाते थे, ऐसा क्यों हुआ? बच्चों ने एप्रिसिएशन में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आज हमारे आपके बीच में ही एक सर हैं, आप सब जानते हो धांसु सर, वो भी गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने गणित पढ़ाने से ज्यादा फोकस इस चीज पे करा कि मैं वायरल हो जाऊं, और वो वायरल गणित पढ़ाने के लिए नहीं हुए, अपनी आदतों की वजह से हुए, अपने स्टाइल की वजह से हुए। तो लोगों ने उनको गणित में पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जानना काफी नहीं है, जानते तो लोग दीपक कलाल को भी है, जानते तो लोग राखी सावंत को भी है, क्या कोई मूवी में काम देता है उनको? नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो आज के दौर में सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, आप भी इस चीज के पीछे मत भागिए। मैं उन सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो केवल और केवल कंटेंट पे फोकस कर लें, पढ़ाने पे फोकस कर लें, सिर्फ इस चीज पे फोकस कर लें कि मुझे बेहतर से बेहतर पढ़ाना है। हमने क्या किया? अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं 2017 से फ्री पढ़ा रहा हूं, 2017 से मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए हो गए, पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बच्चे नौकरी से लग जाए। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी चीजें करता हूं, तो 17 लोग मुझे नौकरी देने वाले। अब बताओ, आप भी जानते हो इस बात को, इससे मेरे फ्री पढ़ाने का, यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई ताल्लुकात नहीं। और मैं कहता हूँ कि बच्चों ने उनको बहुत अप्रिशिएशन दिया, बच्चों ने अप्रिशिएशन में कहीं कमी नहीं छोड़ी। अब देख लो क्या बच्चों ने उन्हें कम अप्रिशिएशन दिया। फरवरी में आज हमारी टीम ने बताया, फरवरी में उनके 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद अभी 2 महीने नहीं हुए 2.5 लाख लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ ज्वाइन से बात नहीं बनेगी, आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। लोग एक बार आएंगे, एक बार देखेंगे, लेकिन दोबारा तब आएंगे जब आप कुछ बेहतर दे रहे हो। कल मैंने उनका वीडियो देखा, मैं खुद इतना इमोशनल हो गया। महादेव की सौगंध में जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, अगर इस परिवार का सपोर्ट करो, चैनल का सपोर्ट कर दो बेटा, मेरा सपना था इस। मैंने ट्राई भी किया कि मैं उनका नंबर निकाल के उनको पूछूं कि हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, तो मैं कहीं भी ये कहूंगा कि हाँ भाई ये गणित पढ़ाते हैं अच्छे से, अच्छा इनको आसानी से काम मिलेगा। लेकिन उसके लिए गणित पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्टेंट पे। सारा खेल तो ये है ना कि आप पढ़ना क्या रहे, मुद्दा इज दैट लोग आपको कितने देखते हैं मन ही नहीं लगता। मैंने भी जब YouTube चैनल स्टार्ट किया 1,500 लोग देखते थे, लेकिन मेहनत करके, वो कड़ियां जोड़ के, 5-5, 6-6 घंटे मेहनत करके। आज आपने मुझे बताया कि अभी कुछ महीने पहले उन्होंने 5000 बच्चों का बैच बनाया, ऑफलाइन उन्होंने 5000 बच्चों को एडमिशन कराया। तो मैं बच्चों से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप अगर कोई शिक्षक अच्छा करते हैं तो उसको सपोर्ट करिए, और अगर आपको लगता है कि शिक्षक में ये कमी है तो उसको बताइए कि गुरुजी आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आप वो चीजें नहीं लेके आ पा रहे कंटेंट में जो बाकी में जरूरी है। देखिए बच्चों की मजबूरी है, आज आप में से 90% बच्चे वो हैं जिनके पिताजी 500 रुपए डेली कमा रहे और उससे घर का खर्चा चल रहा है। अगर आज एक सदस्य घर का बीमार हो जाए तो पिताजी के चेहरे की तितली उड़ जाती है कि इसका इलाज कैसे होगा। मेरे यूट्यूब पे 1.20 लाने की वजह यही थी कि बच्चों को मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जीएस वो नोट से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नोट से पढ़ सकते हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, लेकिन गणित सबसे जरूरी है। उसके लिए मैं आज जिस स्थिति में हूँ, मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो चलेगा, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो मिशन मेरा आज से 4 साल पहले था। 2017 में मैं जो सोचता था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, आज भी मैं उसी मिशन पे हूँ। आप बताओ, मैंने कभी आके कहा हो कि नहीं ये कंपलसरी है, ये जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने काम पे ईमानदारी से फोकस किया जाएगा, अपने कंटेंट को ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, तो शायद सब कुछ अच्छा है, 1,000 लोग नौकरी देने के लिए खड़े। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस चीज से काम नहीं चलेगा कि मैं आज वायरल हो जाऊं। वायरल होना इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, दिस इज ऑल अ टेंपरेरी सॉल्यूशन, ये सब टेंपरेरी सॉल्यूशन है। आप एक बार लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाकर तो देखो, 17 रास्ते आपको बिजनेस के नजर आएंगे, 17 रास्ते आपको लोग नौकरी देने के लिए खड़े होंगे। फिर भी हमारी टीम का नंबर हम हमेशा देते हैं नीचे, सबको पता है, अगर आप उन सर तक पहुंच सकते हैं तो हमारी टीम का नंबर दो, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, और जितनी भी संभव बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती है करें। एक शिक्षक के अगर काम नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उनको भी ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, हमें भी और बच्चों को भी, कि मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट। आज आप देखो, मैं ऐसे काफी शिक्षकों को जानता हूं, पहले यहां पढ़ाते थे, खुद उनकी ही बात कर ले, फिर वहां पढ़ाते थे, ऐसा क्यों हुआ? आपको बार बार जगह क्यों बदलनी पड़ी? क्योंकि आपने आत्मचिंतन नहीं किया, आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि जो आप कर रहे हो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। कोशिश करिए इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने। आज के लिए इतना ही।